नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। आमतौर पर असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए पेंशन की सुविधा नहीं रहती है, लेकिन पिछले कुछ समय में सरकार ने उन्हें ये सुविधा उपलब्ध कराई है। केंद्र सरकार की योजना का लाभ उठाने लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन जो गति होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल करनी होगी, ताकि उनके बुढ़ापे में पेंशन मददगार साबित हो सके। अब तक योजना का लाभ 18,028 छोटे मध्यम कारोबारियों और कामगारों ने उठाया है। अच्छी बात यह है कि कामगार जितना योगदान करता है उतनी राशि सरकार भी अपनी ओर से जमा कराती है। श्रम मंत्रालय ने पेंशन की सुविधा मुहैया कराई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से कामगार, रेहड़ी पटरी वाले भी 60 वर्ष के उपरांत पेंशन लाभ ले सकते हैं। हर महीने 3,000 रुपए निवृत्ति वेतन के रूप में मिलेंगे। भारतीय जीवन बीमा महामंडल के माध्यम से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। कामगार को उसकी आयु के अनुसार 55 से 200 रुपए तक की निधि जमा करानी होगी। इतनी ही रकम सरकार भी भरेगी। ये किस्त LIC में जमा करानी होगी। नरेंद्र नगर क्षेत्र में लगभग 3 स्थानों पर जलवाहिनियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया जाना है। इसके अलावा एक स्थान पर जलवाहिनी पर वाल्व भी लगाने का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए नागपुर महानगर पालिका और OCW द्वारा कल सुधार कार्य करने का निर्णय लिया गया। कार्य के लिए 24 घंटे का समय लगने की संभावना जताई गई है। अतः इस दौरान श्रीनगर टंकी से शुक्रवार को जलापूर्ति नहीं होने की जानकारी मनपा अधिकारियों ने दी है। बताया जाता है कि नरेंद्र नगर चौराहे पर 2 जलवाहिनियों को एक दूसरे से जोड़ा जाना है। इसके अलावा 250 मिलीमीटर व्यास की जलवाहिनी पर भी वॉल्व लगाना जाना है। बताया जाता है कि चूंकि टंकी को ही जलापूर्ति नहीं होनी है, अतः टंकी पर से टैंकर द्वारा होने वाली जलापूर्ति भी संभव नहीं हो सकेगी। इस टंकी पर आश्रित श्रीनगर, सुंदरबन, सियोग नगर, साकेत नगर, अरविंद सोसाइटी, बोरकुटे लेआउट, PMG सोसाइटी, विजयानंद सोसाइटी, संताजी सोसाइटी, डोबी नगर, माड़ा कॉलोनी, नरेंद्र नगर, शिल्पा सोसाइटी, जय दुर्गा सोसाइटी, नगर विकास, सर्वत्र नगर, जोगी नगर, भीम नगर, कुशीनगर, पार्वती नगर, हावड़ा पेट, रामेश्वरी रोड, मधुबन लेआउट, सप्तगिरी आदि इलाकों में जलवाहिनियों से भी आपूर्ति नहीं होगी। महानगर में बसे हर एक बाजार का अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह ऐसे बाजार है जो विदर्भ के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी अपनी अहमियत रखते हैं। इन्हीं में से एक सीताबड़ी में वर्ष 1995 में स्थापित हुआ फुल मार्केट है, जो आज प्रशासन की अनदेखी के कारण उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। यहाँ फूलों की सुगंध की बजाय मनपा द्वारा बनाए गए कचरा घर से दिन भर बदबू उठती रहती है। इसके चलते व्यापारी के साथ साथ ग्राहकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कचरा घर की टूटी दीवार के कारण कचरा पूरे मार्केट में फैल जाता है। दिनों दिन बढ़ती जा रही तकलीफ की वजह से परेशान व्यापारी भी APMC द्वारा गणेशपेट बस स्टैंड के पास स्थित जगह पर बनाए जाने वाले एयर कंडीशन फुल मार्केट के इंतजार में है। एयर कंडीशन मार्केट का प्रोजेक्ट भी बनकर तैयार है, बावजूद इसकी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। फुल मार्केट के अध्यक्ष विजय वंजारी बताते हैं कि गणेशपेट बस स्टॉप के सामने स्थित पणन महामंडल के कपास मार्केट के 3 एकड़ के स्थान पर APMC द्वारा एयर कंडीशन फुल मार्केट के लिए जगह ली गई थी। सफाई और गहरीकरण के बाद इन दिनों हुई मूसलाधार बारिश से गांधी सागर तालाब में पानी जमा हो गया है। बारिश के सीजन भर में तालाब लबालब हो जाएगा, लेकिन सकरदरा तालाब अब भी प्यासा ही है। पानी जमा होने से कचरा और गंदगी सतह पर तैरने लगी है। किनारे हिस्सों की अधूरी सफाई की वजह से कचरा कमलगड्ढा उगाया है। अब भी तालाब का सौंदर्य निखर कर नहीं आ सका है। पिछले दिनों से जिले में बारिश के साथ तालाब, नदियां और नाले उफान पर है, लेकिन सकरदरा तालाब अब भी लबालब नहीं हो सका। दरअसल सड़क पर बहते पानी को तालाब में संग्रहित करने की व्यवस्था नहीं है। बारिश होने से पानी सड़क से होते हुए ड्रेनेज में समा जाता है, जबकि इस पानी को तालाब में डालने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा किए जाने पर ही तालाब लबालब हो सकेगा। गर्मी के दिनों में तालाब के किनारे दीवार बनाई गई, लेकिन वह भी आधी अधूरी रह गई। रेलिंग टूट गई है, फुटपाथ पर लगी टाइल्स भी उखड़ गई है। दीवार के दोनों ओर कचरा और गंदगी अब भी पड़ी है। पानी जमा होने से अब ये गंदगी ऊपर तैरने लगी है। स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार अब नागपुर महानगर पालिका के चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आदेशों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग को अब 2 सप्ताह के भीतर चुनावी घोषणा करना है। सुको ने OBC आरक्षण के साथ चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के आदेश दिए हैं। राज्य चुनाव आयोग की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार गुरुवार को अंतिम मतदाता सूची की घोषणा भी करना है, जिसके बाद सुको के आदेशों के अनुसार OBC का 27% आरक्षण भी निर्धारित करना है।
बताया जाता है कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से दिए गए आदेशों के अनुसार पहले ही अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षित सीटों का निर्धारण हो चुका है। जानकारों के अनुसार लगभग एक माह पूर्व से मनपा चुनाव की प्रक्रिया जारी है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार 156 सीटों वाली महानगर पालिका में से अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं का आरक्षण निकाला गया है। नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग की सीटों के लिए लॉटरी निकालने के बाद सभी सीटों को सामान्य वर्ग के लिए खुला रखा गया था। बाल मृत्यु को कम करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया है। जननी सुरक्षा योजना, डॉक्टर आपके द्वार जैसी योजना भी चलाई जा रही है। इसके बावजूद बाल मृत्यु के मामले कम नहीं हो रहे। वर्ष भर में जिले में 1741 बच्चे अपना 5वां जन्मदिन नहीं मना सके। राज्य में सबसे अधिक बाल मृत्यु नागपुर जिले में दर्ज की गई। 1 जनवरी 2021 से मई 2022 तक जिले में 0 से 1 वर्ष आयु वर्ग के 1440 बच्चों की मौत हुई। 1 से 5 वर्ष आयु के 301 बच्चों की मौत हुई। सरकार द्वारा बाल मृत्यु नियंत्रण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी ये दयनीय स्थिति बनी हुई है। सरकार द्वारा हर वर्ष बताया जाता है कि राज्य में सर्वाधिक बाल मृत्यु अमरावती के मेलघाट, गढ़चिरौली, नंदुरबार आदिवासी जिलों का समावेश है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। नागपुर जैसे प्रगतिशील जिले में मेलघाट और गढ़चिरौली की तुलना में बाल मृत्यु दर अधिक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुपोषण सहित बाल मृत्यु के संबंध में श्वेत पत्र जारी किए जाने की घोषणा हर वर्ष स्वास्थ्य मंत्री करते हैं। राज्य के विभिन्न महानगर पालिका क्षेत्रों के अंतर्गत नागरिकों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, चूंकि इस मुद्दे की हमेशा उपेक्षा की जाती है। अब राष्ट्रवादी अर्बन सेल के माध्यम से शहरी समस्याओं को लक्ष्य कर समस्या का निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए ज्ञापन सौंपना, मोर्चे निकालना और विविध जगहों पर आंदोलन किए जाएंगे। नागपुर शहर में ये जिम्मेदारी अब शहर अध्यक्ष के रूप में राज्य के संगठक सचिव श्रीकांत शिवणकर को दी गई है। इससे पहले पार्टी द्वारा उन्हें कई जिम्मेदारियां दी गई थी और उन्होंने इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। आज भी नगर निगम क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, इसीलिए पदाधिकारी और कार्यकर्ता उन्हें पूरा करने के लिए अर्बन सेल के माध्यम से काम करेगी। महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, सार्वजनिक शौचालयों में साफ सफाई, वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं सहित अर्बन सेल 26 मुद्दों पर काम करेगा। नागरिकों की समस्याओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए शहर में एक नया प्रयोग लागू करने के लिए श्रीकांत शिवणकर ने कहा कि प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा और यदि आवश्यक हो तो आंदोलन के माध्यम से अर्बन सेल का कार्य जारी रहेगा। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की संगीत विभाग द्वारा संगीत का महत्व विषय पर अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार ने की एवं छात्राओं का मार्गदर्शन किया। प्राचार्या ने अतिथि का स्वागत करते हुए ये कहा कि सभी कलाओं में संगीत कला श्रेष्ठ है। कमला नेहरू महाविद्यालय की संगीत विभाग प्रमुख प्रीति महाजन ने अतिथि व्याख्यान में संगीत के महत्व पर विशेष जानकारी उदाहरण सहित दी, जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर अंतिम चरण तक संगीत का उपयोग सुख दुख दोनों में किस तरह होता है, कोरोना काल में भी तनाव दूर करने में संगीत की भूमिका क्या रही तथा चिकित्सा में भी संगीत का उपयोग किस तरह से होता है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापिका वर्षा अगरकर ने किया। मान्यवरों का परिचय डॉक्टर मोनाली मसीह द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन अनीता शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सभी प्राध्यापिकाएं एवं छात्राएं सम्मिलित थी। जरीपटका स्थित श्री कलगीधर सत्संग मंडल में कल गुरु नानक देव जी की गद्दी के 8वें स्वरूप गुरु हरि कृष्ण देव जी के अवतार दिवस के अवसर पर विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का आरंभ सुबह 6 बजे श्री जपूजी साहिब व श्री सुखमनी साहिब के सामूहिक पाठ के साथ होगा। तत्पश्चात संयोजक एडवोकेट माधवदास ममतानी गुरु हरि कृष्ण देव जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। कार्यक्रम का समापन आरती, 11 गुरुओं व दसम ग्रंथ में वर्णित आदिशक्ति भवानी माता की स्तुति अरदास के साथ होगा। संयोजक एडवोकेट माधवदास ममतानी ने बताया कि श्री गुरु हरि कृष्ण देव जी का अवतार 7 जुलाई सन 1656 कीरतपुर में माता कृष्ण कौर की कोख से हुआ। गुरु जी के पिता सातवी पदशाही गुरु हर राय साहिब जी ने जन्म के समय ही वचन फरमाया कि ये बालक जो कार्य करेगा वो कोई और नहीं कर सकेगा। गुरु हर राय साहिब ने बालक हरि कृष्ण जी को 5 वर्ष की आयु में 8वें गुरु के रूप में सुशोभित किया। राजा जय सिंह की विनंती स्वीकार कर गुरु हरि कृष्ण देव जी पिल्ली पधारे व उनके बंगले में निवास किया।
दिल्ली में उस समय महामारी फैली हुई थी। गुरुजी की महिमा सुनकर अनेक दुखी व रोगी गुरुजी के पास आने लगे। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसीलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। चेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड के अध्यक्ष डॉक्टर दीपेन अग्रवाल ने राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस से एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए मुलाकात की, जिसमें आटा, दाल, अनाज और खाद्य पदार्थ जो पहले से पैक और लेबल किए जाते हैं उन पर 5% GST लागू होने के मामले में उनके हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया था। डॉक्टर दीपेन अग्रवाल ने देवेंद्र फडणवीस को बताया कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट और नियमों के तमाम प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह समझ जाता है कि यदि क्रेता की अनुपस्थिति में और पूर्व निर्धारित मात्रा में माल पैकेज में रखा गया है, तभी माल पहले से पैक वस्तुओं की परिभाषा के अंतर्गत आएगा और LM एक्ट की धारा 18 के तहत घोषणा आवश्यकता को आकर्षित करेगा। प्रशासन द्वारा जारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के उत्तर लीगल मेट्रोलॉजी नियम 2011 के नियम 3 और नियम 26 के बीच की विसंगति को संबोधित नहीं करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने डिप्टी CM को बताया कि LM एक्ट का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। वाड़ी में एक बड़ा नाला है जिस पर लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है। बरसात के समय नाला भरने से पानी की निकासी न होने से नाले का पानी नागरिकों के घरों में घुस जाता है। अवैध निर्माण के कारण लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। नाले पर किए गए अवैध निर्माण को निकालने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तालुका संगठक दीपक ठाकरे, तालुका अध्यक्ष अनिल पारखी के नेतृत्व में मनसे कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्याधिकारी डॉक्टर विजय देशमुख को ज्ञापन सौंपा। मनसे कार्यकर्ताओं ने सवाल किया कि आखिर वाड़ी नगर परिषद ने नाले पर अवैध निर्माण करने अनुमति कैसे दी? अनुमति नहीं भी दी होगी तो अब तक अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाया गया? अतिक्रमण के कारण नाला छोटा हो गया है, बरसात में ज्यादा बारिश हुई तो पानी नहीं निकल पाता है, इससे नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी नाले का सर्वे कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग भी मनसे अधिकारियों ने की है। यदि नगर परिषद ने कार्रवाई नहीं की तो मनसे अपने स्टाइल में नाले में उतर कर आंदोलन करेगी। इस आशय की चेतावनी मनसे कार्यकर्ताओं ने दी है। राष्ट्र संत तुकड़ोजी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इंडियन कैंसर सोसाइटी नागपुर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कचारी सावंगा एवं येनवा में बुधवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख, पेट, लिवर, स्तन, सर्वाइकल एवं गर्भाशय जैसे कैंसर सिम्टम्स की प्राथमिक जाँच की गयी। इसके साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा उपयुक्त सलाह दी गयी। RTS रीजनल कैंसर हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य मंत्रालय कैंसर रोग निधि, प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष और IPF जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मरीजों को दिया जाता है, इस बारे में जानकारी दी गई। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए मरीजों को मुफ्त में सेवा हॉस्पिटल में उपलब्ध कराए जाने की जानकारी RST रीजनल कैंसर हॉस्पिटल नागपुर के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गुणप्रिया गुल्ले ने दी। 20 जुलाई को कुंडली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संपन्न हुए कैंसर जांच शिविर में डॉक्टर अनुराग रहाटे स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर वैष्णवी बाभरे दंत रोग तज्ञ तथा आरोग्य मात्र सामाजिक कार्यकर्ता नेपाल नारनवरे, रोशन गजबे आदि द्वारा 80 मरीजों की जांच की, जिसमें 7 मुख रोग कैंसर के संशयित मरीज पाए गए। हाल ही में शहर में एक रक्तदान शिविर का उद्घाटन IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय देवतले के हाथों हुआ। सर्वप्रथम स्वर्गीय उर्मिला नरेंद्र गुप्ता व स्वर्गीय नरेंद्र किशोर गुप्ता की पुण्यतिथि में पूजन किया गया। इसमें लता मंगेशकर हॉस्पिटल के डॉक्टर की टीम द्वारा शुरुआत की डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर उर्वशी गुप्ता के माता पिता स्वर्गीय उर्मिला नरेंद्र गुप्ता व स्वर्गीय नरेंद्र किशोर गुप्ता की स्मृति में रक्तदान शिविर लिया गया। इस रक्तदान शिविर में 23 लोगों ने रक्तदान किया।
इस महादान में डॉक्टर विवेक गुप्ता, सुधीर गुप्ता, गणेश अग्रहरी, संदीप गुप्ता, राजा अग्रहरी, आलोक चांडक, किशोर तेलंग, आशीष बंसोड़, विनोद नार्वेकर, प्रकाश माधवी, स्वप्निल कुनवरकर, अशोक बोबड़े, राजकुमार जेठवा, सारंग मोढ़क, मनोज भोयर, अंकेश राम, सौ पांडे, श्वेता शिरसागर, मयूर ठक्कर, संभाजी वाघमारे, रोशन बुजाड़े व अन्य रक्तदाताओं को मोमेंटो सर्टिफिकेट देकर सत्कार किया गया। इसी कार्यक्रम में अग्रहरी वैश्य समाज द्वारा डॉक्टर दिलीप बाबूलाल गुप्ता की पुत्री अंशिका दिलीप गुप्ता, जो हाल ही में MBBS बनी है, उनका भी स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर विवेक गुप्ता, डॉक्टर उर्वशी गुप्ता, अखिल भारतीय अग्रहरी वैश्य समाज के संरक्षक अजय अग्रहरी, सविता मनीष अग्रहरी, मीना तिलक अग्रहरी व अन्य लोगों ने प्रयास किया। पूर्व नागपुर विधायक कृष्णा खोपड़े के मार्गदर्शन में प्रजापति चौक पर पारडी उड़ान पुल के लिए काम चालू है, जिसके कारण चौक से वैष्णो देवी चौक की ओर जाने वाली सड़क में मिट्टी जमा होने के कारण यहां यातायात कर रहे लोगों को काफी तकलीफ हो रही थी। स्थानीय नागरिकों से सामाजिक कार्यकर्ता मनोज अग्रवाल को जानकारी मिलते ही उन्होंने पारडी उड्डान पुल निर्माण के ठेकेदार कंपनी के जनरल मैनेजर रंजित वाही से संपर्क कर इसकी जानकारी दी। वाही ने तुरंत कंपनी में कार्यरत सिद्धार्थ खड़से और साइट इंजीनियर कालीचरण द्वारा बोल्डर, डस्ट, गिट्टी डालकर लेवल कर सड़क का मरम्मत किया और आम जनता के लिए सड़क पर आवाजाही दोबारा बहाल की। इस कार्य की जानकारी विधायक कृष्णा खोपड़े को दी है। कार्य के वक्त मनोज अग्रवाल, ठेकेदार कंपनी के सिद्धार्थ खड़से, इंजीनियर कालीचरण, महेंद्र कटारिया, विनोद कोचर, सुनील खेतान, अशोक सावरकर, निरंजन वैरागड़े, राकेश आगरे आदि उपस्थित थे। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और सभी का आभार माना है। शेगांव स्थित गजानन महाराज मंदिर संस्थान को हाल ही में निर्मित स्काईवॉक का हस्तांतरण किया जाना था। हालांकि इसके निर्माण को तो लंबा समय बीत गया है, लेकिन रखरखाव और उपयोग के लिए हस्तांतरण नहीं होने के कारण जो कि त्यों पड़ा है। इस संदर्भ में दिए गए आदेशों के अनुसार अब तक क्या किया गया, इसे लेकर परिपूर्ण हलफनामा दायर करने के आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश GA सानप ने राज्य सरकार और नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत अमरावती के विभागीय आयुक्त को दिए। अदालत मित्र के रूप में फिरदौस मिर्जा, संस्थान की ओर से एडवोकेट AR पाटिल और सरकार की ओर से एडवोकेट DP ठाकरे ने पैरवी की। अदालत ने आदेश में कहा कि गत समय स्काईवॉक के हस्तांतरण और उपयोग की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अमरावती के विभागीय आयुक्त, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को समझौते को अंतिम कर इस पर मुहर लगाने के आदेश दिए गए थे। इस मामले को प्राथमिकता और शीघ्रता से हल करने को कहा गया था। एग्रीमेंट के बाद विभागीय आयुक्त की ओर से इसे संस्थान को हस्तांतरित करना था, किंतु आदेश के अनुसार क्या किया गया इसका पता नहीं चल रहा है। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष मनोज कुमार ने पदभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करना है और जमीनी स्तर पर अधिक से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों की स्थापना करके विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश में अतिरिक्त रोजगार के साथ साथ स्वावलंबी भारत के निर्माण में अहम योगदान देना है। KVIC प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर काम करेगा, जिसके तहत हमारे युवा नौकरी तलाशने वाले नहीं अपतु नौकरी देने वाले बनेंगे। KVIC में विशेषज्ञ सदस्य विपणन के रूप में कार्य कर चुके हैं मनोज कुमार के पास विपणन और ग्रामीण विकास का व्यापक अनुभव है। वे मानते हैं कि देश में खादी की एक मौन क्रांति चल रही है, जिसके नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खादी इंडिया ने जो लक्ष्य हासिल किए हैं वो अद्भुत है। KVIC अध्यक्ष मनोज कुमार के अनुसार उनका प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा कारीगरों के हाथों में पैसा पहुंचे, ताकि उनके आय की स्रोत बढ़े और उन्हें अपना हक मिले। विविधीकृत व्यवसायिक समूह इमामी ग्रुप की ब्रांडेड खाद्य निर्माण इकाई इमामी एग्रोटेक लिमिटेड ने मंत्रा स्पाइसेस के राष्ट्रव्यापी लॉन्च की घोषणा की। मंत्रा मसाले व्यापक रूप से प्रचलित इमामी हेल्दी ट्रेंड टेस्टी ब्रांड के तहत पेश किए गए इमामी के स्वास्थ्यकर और स्वादिष्ट मंत्रा मसाले शुद्ध बारीकी से पीसे हुए और खाने का स्वाद बढ़ाने वाले मसालों की विस्तृत रेंज पेश करते हैं। राजस्थान में जयपुर स्थित आधुनिक फैक्ट्री में इन मसालों का क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, जहां इन मसालों को 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पीसा जाता है। इस ब्रांड को मसालों की बेहतरीन गुणवत्ता के लिए इंटरनेशनल टेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रुसेल्स
यूरोप से सुपीरियर टेस्ट अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा मंत्रा मसालों की मिश्रित वैरायटी जिप्लॉक पैकिंग में आती है, जिससे लंबे समय तक इन मसालों की सुगंध और गुणवत्ता बरकरार रहती है। मंत्रा मसाले अलग अलग तरह के पैक में उपलब्ध होंगे, जिससे 8 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक की रेंज में पैकेट है। यह मसाले 5 रुपए से लेकर 110 रुपए की रेंज में मिलेंगे। इमामी एग्रोटेक ने उपभोक्ताओं के स्वाद को बढ़ाने के लिए मंत्रा मसाले की विस्तृत रेंज तैयार की है। विधाता पर अतुट श्रद्धा होने से वह सभी संकटों को हार लेता है, यह उद्गार परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी के परम प्रिय शिष्य परम पूज्य मुनि पशम सागर ने अपने उद्बोधन में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मोठे मंदिर के इंद्र भवन में कहा। उन्होंने आगे कहा, आचार्य समनभद्र स्वामी ने सम्यक दर्शन की महिमा गाते हुए कहा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है वे अवरंति होते हुए नरक तिरियस गति को तथा नपुंसक एवं स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होते और नित्य कुल को और अंगों की विकलता अल्पायु को तथा दरिद्रता को भी प्राप्त नहीं होती। सेठ मंदिर में भगवान के भक्ति में इतने मग्न हो गए, बच्चों को सांप ने काटा, सेठानी ने उसको लेकर सेठ जी के सामने पटक दिया, फिर भी सेठ भक्ति में लीन रहे और भगवान से भक्ति पूर्वक भक्तमर के श्लोक का पठन कर गंधोदय बच्चे के शरीर पर छिड़का तो सांप का विष उतर गया और वह दोबारा स्वस्थ हो गया। विधाता पर अटूट श्रद्धा होने से ही इस बच्चे पर मंडरा रहे संकट को टाला जा रखा। सफलता हासिल करने के लिए परेशानी झेलनी पड़ती है, श्रावक के लिए तो अगणितन परेशानियां है। साधु के 22 परिचय में एक साथ 19 ही परिचय होते हैं। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल 2956 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल 11,02,000 रुपए का जुर्माना वसूला। मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 10 मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 25,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 4 मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे 44,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।